नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे एबुटेनम के बारे में, होम्योपैथी के बारे में। किंतु होम्योपैथी की जय, होम्योपैथी फार्मेसी की जय, ये बहुत ही कारगर दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ हम लोग। ये दवा एबुटेनम जो है, इसमें अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, बीच में से बच्चों को याद रखना चाहिए कि ये हमारी मेडिसिन की पहली लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें। ये प्राय ओरल में पूछा भी जाता है। तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, एक बार डायरिया होता है तो एक बार कॉन्स्टिपेशन होता है, बदल बदल के आता जाता है। या फिर लिएंटेरिया का मतलब है कि अजीर्ण होना, जो खाते हैं बिना हजम हुए ही जो है वो निकल जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का निकल जाना लिएंटेरिया। तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिएंटेरिया, ये इसका एक खास लक्षण है। दूसरा है मेरास्मस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क डिमासिएशन, बच्चों में मरास्मस हो जाता है, सुखंडी का रोग हो जाता है और साथ साथ उसका शरीर सूखते चला जाता है, स्पेशली ऑफ लेग्स, खास करके जो है पैर सूखने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में और भी दवाएं हैं, आयोडियम सैनिकुलर ट्यूबरकुलिनम में कंपेरिजन कर लेना होगा। और द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग्स लूजिंग फोल्ड्स, स्किन जो है कि पूरा एकदम फ्लैबी हो जाता है, थुलथुला हो जाता है और हैंग्स लूज इन फोल्ड्स, मतलब गाय के जैसे गले में जो चमड़ा ऐसे ऐसे फ्लैबी हो जाता है, धारी धारी होता है, उस तरह का स्किन भी जो है हो जाता है। और खास करके यदि गर्दन में इस तरह का हैंग्स लूज इन फोल्ड हो तो वहां पर नेट्रामियोर और सैनिकुला को हम लोग एक बार विचार करेंगे। इन मेरास्मस हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप, इसको अंडरलाइन कर लें। बीच में इसके बच्चे सुखंडी की अवस्था में मेरास्मस डिजीज में अपने माथे को जो है रोगी या बच्चा, ये ज्यादातर का इसका कार्य बच्चों पे देखने को मिलता है, तो बच्चे अपने माथे को सीधा नहीं रख पाते, कैनॉट होल्ड इट अप, ऐसे माथे को सीधा नहीं रख सकता। इसमें एक और दवा है जो कि एथ्यूजा सैनिपियम में भी सिम्टम है, मेरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली, सिर्फ पैरों के नीचे पार्ट में ही, आधे नीचे में ही जो है मेरास्मस ज्यादा होता है, इसका एक खास लक्षण है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। रिवेनस हंगर, राक्षसी भूख, अभी खाया फिर खाएगा, अभी खाएगा फिर खाएगा, इसलिए रिवेनस हंगर होता है, राक्षसी भूख होता है। लॉसिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग वेल, कितना भी खाता जाता है लेकिन फिर भी जो है उसका लॉस होता है, मसल डेवलप नहीं करता है, इसलिए लॉसिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग वेल। इसमें और भी दवाएं जैसे मैंने बताया, आयोडियम नेट्रामियोल सैनिकुलर ट्यूबरकुलिनम में भी ये लक्षण है, लेकिन एबुटेनम इसका प्रोमिनेंट मेडिसिन होगा। पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कॉलिक, पेट में दर्द होने के बाद या क्रैम्प होने के बाद पूरे कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, हाथ पैर में खिंचाव आने लगता है, ये खास लक्षण है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कॉलिक, पेट दर्द के बाद या क्रैम्प होने के बाद। रूमेटिज्म में इसका व्यवहार होता है, बात के रोग में व्यवहार होता है। फॉर एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कॉमेंसेस, यानी कि स्वेलिंग आने के पहले दर्द चालू हो जाता है, दर्द आएगा उसके बाद स्वेलिंग होगा। तो फॉर एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कॉमेंसेस, फ्रॉम सडनली चेस्ट डायरिया, लूज मोशन हो रहा था, डायरिया हो रहा था, यदि वो दब गया उसकी वजह से बात करोग स्टार्ट हो जाता है। और अदर सिक्रीशंस, या यदि कोई सिक्रीशन हो रहा हो, मवाद वगैरह निकल रहा हो या कुछ और हो रहा हो, उसको भी दूध दबा दिया जाए तो उसके बाद में बात होता है। तो हमको रोगी से पूछना पड़ता है कि हाँ भाई, पहले कोई सिक्रीशन का तो दबा तो कोई मरहम वगैरह लगा के दबा तो नहीं दिए, उसी स्थिति में ये प्रॉब्लम आ जाती है। अल्टरनेट विथ हेमराइड्स विथ डिसेंट्री, ये अल्टरनेट करता है, हेमराइड बवासीर एक बार होता है तो एक बार पेचिस होता है, डिसेंट्री होता है, ये डिसेंट्री का मतलब रक्त वाला पेचिस यदि होता है तो ऐसी स्थिति में बात के रूप में ये काफी फायदेमंद है। गाउट का मतलब जोड़ों में जो सूजन हो जाती है उसमें ज्वाइंट स्टिफ हो जाएगा, सोलेन होगा विथ प्रिकिंग सेंसेशन, सूजन भी हो जाएगा और उसमें प्रिकिंग चूहने जैसा दर्द होगा। रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट्स पेनफुल एंड इन्फ्लेमेड, खास करके हाथ की कलाई में और ज्वाइंट में सूजन हो जाता है। वेरी लेम सोर एंड ऑल ओवर, पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है। इचिंग चिल्ब्लेडर, पैरों में जो है कि फट जाता है, एगारिकस में जो है कि एड़ी फट जाती है, उसमें से खून निकलने लगती है, वही सिम्टम इसमें भी है, इचिंग चिल्ब्लेडर। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड काइंड ऑफ एक्टिव फीवर विच चिल्ड्रेन अनेबल टू स्टैंड, इतना तकलीफ होता है कि बच्चे खड़े नहीं हो पाते हैं, फीवर होता है, एक्टिव फीवर मतलब छह ज्वर होने लगता है। चाइल्ड इज इल नेचर, बच्चा जो है कि पूरा इल नेचर हो जाता है, मेंटली इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। क्रॉस एंड रिस्पॉन्डेंट, बच्चा बहुत जिद्दी रहता है, बहुत करने लगता है। वायलेंट इन ह्यूमन, वुड लाइक टू डू क्रुएल समथिंग, बच्चा जो है कि क्रुएल काम करने लगता है, छोटे छोटे वो पिपरी को मार देता है, वो मैंने क्रुएल इन नेचर हो जाता है, उसका निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। फेस ओल्ड पेल रिंकल, फेस जो है कि ओल्ड हो जाता है, पेल हो जाता है, रिंकल हो जाता है, फेस पर झुर्रियां दिखने लगती है। इसका रिलेशनशिप में हमको जानना चाहिए,
हिपरसल्फ में यदि किसी को दवाई दिया गया हो, कोई फ्रंकल डिजीज में, स्किन डिजीज में दिया गया है, यदि हिपरसल्फ नहीं लाभ किया उसके बाद एब्रुटेनम देने से लाभ मिलेगा। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रानिया एंड कुलुदिसी, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, कुलुदिसी हुआ हो, एकोनाइट ब्रानिया दिए नहीं लाभ हुआ तो एब्रुटेनम देने से लाभ मिलेगा। वेन ए प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन अफेक्टेड साइड इन पेंडिंग इंस्पिरेशन में भी फायदेमंद है। तो ये दोस्तों आज हम लोगों ने आप एक बातचीत किया एब्रुटेनम के बारे में, इसको आप लोग पढ़ें, सीखें और करें। धन्यवाद।